हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो देखो, बेसिकली कई बार हम लोगों को ये कंसेप्ट्स पढ़ाया जाता है कि इंटीजर फ्रैक्शन मान के, ठीक है, और डिविजिबिलिटी, या फिर हमें बोल दिया जाता है कि लास्ट डिजिट क्या होगी। तो मैं बेसिकली ये प्रोफाइल यहाँ पर कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर और फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्या बोला जा रहा है आपको, ये बोला गया एक बायनोमियल और इसको बोल दिया गया कि ये बॉक्स एक्स प्लस एन है। बॉक्स एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन प्लस कैपिटल एफ, ये हमें बोला गया। और क्या बोला जा रहा है यहां से, इसका मतलब ये हुआ कि एन इज इक्वल्स टू, अगर मैं बॉक्स एन प्लस एफ बोल दूं, बॉक्स एन जो है वो इस एन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट है, और एफ जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसी चीज को यूज करके यहां से लिखा गया कि एफ इज इक्वल्स टू एन माइनस बॉक्स ऑफ एन। ये जो चीज लिखी है वो ये लिखी है। अब यहां से हमें बोला गया है कि n इंटू एफ, कैपिटल n मतलब ये नंबर इंटू कैपिटल f जो है वो ये होगा, एक इवन इंटीजर होगा, एक ओड इंटीजर होगा, या ये होगा, ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आए, सबसे पहले क्या काम करना होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये तो आपको दिया ही हुआ है। क्या दिया हुआ है कि बॉक्स n प्लस f जो है वो हमारा ये होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्मॉल f आप मान लो, स्मॉल f, और वो आप इस तरह से मानो कि इसमें बीच में आप माइनस लगा सको। लेकिन जब आप माइनस लगाओ तो ध्यान रहे कि जो ये चीज है ना, ये नीचे वाली पॉजिटिव रहनी चाहिए। ओके, तो 6√6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 12 point something होगी। 6√6 की अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 6√6 की अप्रोक्सीमेट आई थिंक 6 × 2 point something या 2.5 से ज्यादा ही होने वाली है। 2.5 से ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि अगर हम 2.5 का स्क्वायर करते हैं वो 5.625 आएगा। तो 2.5 से छोटी होगी, सॉरी, लेट्स से 2.4 है, मान लिया 2.4 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, 6 × 12 और 14, 14.4 आ रहा है। तो इसका मतलब 6√6 जो है वो 14 से बड़ा है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 6√6 − 14^2n+1 ये लिखा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा स्मॉल f। ओके, अब आपको करना क्या है, इसको भी एक्सपेंड कर दो। तो बॉक्स n प्लस कैपिटल f को एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा 2n+1c0, 6√6 2n+1 + 2n+1c1, 6√6 2n × 14, और ऐसे करते 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 चलता जाएगा। वैसे अगर हम स्मॉल f को भी ओपन करें तो क्या बनेगा, देखो, 2n+1c0, 6√6 2n+1, फिर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा समझाता हूं अभी। 6√6 तो आप 2n लिख दोगे, यहां पर −14^1 लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए वो माइनस मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया, और ऐसे करते करते चलता जाएगा। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ऐसी टर्म्स चाहिए, कैसी टर्म्स चाहिए कि आपका ये रूट हट जाए, ठीक है। तो आप देखो, जब आप ओड पावर लोगे तो ये रूट रहेगा, और इवन पावर लोगे तो रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को ये वाली टर्म्स अगर मिल जाए तो इसका मतलब यहां से रूट हट जाएगा। ये वाली टर्म्स कब मिलेगी, जब इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या मिलेगा, बॉक्स एन प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, आगे का सब कुछ सब्ट्रैक्ट होता जाएगा और ये वाली टर्म्स मिलती जाएंगी। तो 2 times ये क्या मिलेगा आपको, 2n+1c1, 6√6 2n × 14, एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये लैम्डा है, ये जो चीज आप देख रहे हो ये एक इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा सर, क्योंकि ये जो चीज आपकी लिखी है ये यहां पर एक इंटीग्रल वैल्यू देगी। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर, एक इंटीजर मिलेगा। ओके, और इंटीजर ही नहीं, पॉजिटिव इंटीजर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ओके, अब इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को मैं लैम्डा लिख सकता हूं। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि बॉक्स एन प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू इवन इंटीजर। क्यों इवन इंटीजर लिखा, क्योंकि इस चीज को आप लैम्डा बोल रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा इधर का, 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा हमें पता है कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है। ओके सर, अब ये चीज हमें मिल गई कि बॉक्स एन प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो है वो एक इवन इंटीजर होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है कि नहीं है, कैपिटल एफ जो है वो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, और हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। सिमिलरली ये जो स्मॉल एफ आप देख रहे हो ये भी 1 से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब इस स्मॉल एफ को भी हम 0 से 1 के बीच में ही लिखेंगे।
अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। देखो अगर यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आपको कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ मिलेगा, तो उस केस में आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। अभी मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, तो यहाँ पर मैं कैपिटल एफ तो एज इट इज रहने दूंगा, और माइनस एफ लेने के लिए मैं इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो माइनस एफ और माइनस वन, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा माइनस वन लेस देन माइनस एफ लेस देन जीरो, ये बनने वाला है हमारे पास। अब आपको क्या चाहिए, एफ माइनस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो प्लस माइनस वन इज माइनस वन, एफ प्लस माइनस एफ इज कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, 1 प्लस 0 इज 1। तो देखो कैपिटल F माइनस स्मॉल f कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस 1 से 1 तक आ रहा है। तो क्या हम कैपिटल F माइनस स्मॉल f को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्या हम कैपिटल F माइनस स्मॉल f को 0 के इक्वल लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आपने इसको 0 लिख दिया, अगर आपने इसको 0 लिख दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, यहां इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, इसको लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है। ओके, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपिटल एफ होगा वो स्मॉल एफ के इक्वल होगा, और स्मॉल एफ क्या है हमारा, देखो ये रहा, दैट इज 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1, और n इंटू कैपिटल एफ हमें बताना है, n तो हम जानते हैं ऑलरेडी, यही तो हमारा n है, ये n ही तो है। तो ये क्या लिखा है, 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 इंटू 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि 6√6 माइनस 14 या प्लस 14 इंटू 6√6 माइनस 14 की होल पावर 2n प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 6 36 36 इंटू 6 216 माइनस 14 इंटू 14 कितना बनेगा, 196, ये बनने वाला है यहाँ पर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितने मिल जाएगा हमें, 20 की पावर 2n प्लस 1, तो बेसिकली 20 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन एक तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरी बात, अगर आप 20 की पावर कुछ भी ले रहे हो तो हमेशा आपको एक इवन इंटीजर मिलने वाला है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, तो ये एक तरीका हुआ हमारे पास कि बायनोमियल थ्योरम का हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, फाइंड लास्ट थ्री डिजिट्स इन 11 रेज टू द पावर 50। तो 11 रेज टू द पावर 50 में आपको लास्ट की थ्री डिजिट्स बतानी है, क्या बतानी है, लास्ट की थ्री डिजिट्स हमें यहां पर बतानी है। तो देखो जब भी आपको 10 से डिवाइड, अगर आपको लास्ट डिजिट बतानी है, लास्ट डिजिट, तो आप बताइए कि रिमाइंडर व्हेन, लास्ट डिजिट कैसे मिलेगी आपको, लास्ट डिजिट होती है रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर मुझे लास्ट टू डिजिट्स बतानी हो तो क्या होगा, रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली अगर लास्ट थ्री डिजिट्स बतानी हो तो आई होप अभी तक पैटर्न समझ में आ गया होगा, तो आपको क्या करना है कि रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर लास्ट की एक डिजिट बतानी है तो 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, टू डिजिट बतानी है तो 100 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, थ्री डिजिट बतानी है तो 1000 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट थ्री डिजिट्स आपको बतानी है, तो देखो जब भी आपको लास्ट थ्री डिजिट्स बतानी है तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि 1000 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1000 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, क्या मैं इस चीज को 11 को 10 प्लस 1 की होल पावर 50 लिख सकता हूं, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो क्या होगा, 50C0 10 पावर 50 और ऐसे चलते 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 50C47 कहीं आएगा, ये बच जाएगा आपका 10 पावर 3, फिर 50C48 10 पावर 2, 50C49 10 पावर 1, 50C50 ये बच जाएगा।
अब आप जरा ध्यान से देखिए, अपने को क्या बताना है कि 1000 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इस पूरे में से मैं 1000 कॉमन लेने की कोशिश करूंगा, तो मैं सिर्फ यहां तक ही ले पाऊंगा, इसके बाद मैं 1000 नहीं ले पाऊंगा। तो क्या करेंगे हम यहां पर, इस चीज को 1000 अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या जो भी बचा उसको मैंने लैम्डा लिख दिया, फिर प्लस 50C48 को हम लिखेंगे 50 × 49/2, सॉल्व करना यही आएगा, इंटू 10² कितना होगा 100, 50C49 की वैल्यू 50 × 10+1, ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे एक बार, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये बन गया आपका 1000 लैम्डा प्लस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 × 49, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 225, 25 × 4 = 100, तो 122, और इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 122500+500+1, ये बन जाएगा। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, अब देखो यहाँ पर मिल क्या रहा है आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1000 लैम्डा प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 123001। अब इसमें से भी आप 1000 का मल्टीपल अलग कर लो, तो 1000 का मल्टीपल अलग करोगे तो क्या लिखोगे 123000+1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो ये जो पूरा है ये 1000 का एक मल्टीपल है, 1000 म्यू लिख सकता है, यहाँ बचा क्या प्लस वन, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है प्लस वन। अगर रिमाइंडर वन बच रहा है तो आप बोल सकते हो कि लास्ट थ्री डिजिट्स जो होंगी वो क्या होंगी हमारी 001, क्योंकि रिमाइंडर वन आ रहा है, रिमाइंडर 123 आ जाता तो 123 हो जाती लास्ट की डिजिट, 321 हो जाता तो 321 हो जाती, 1 आया है तो 001 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।